एक बूढ़ी लाचार विधवा महिला दूरदराज गांव में एक ऐसे घर में रहने को मजबूर है जो कभी भी गिर सकता है और उस महिला की मौत का कारण बन सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस घर में वह महिला रह रही है वह कच्चा घर है। ऊपर से इस कच्चे घर की एक दीवार भी ढह चुकी है। अगर तेज बारिश होती है तो ये घर कभी भी धराशायी हो सकता है। जिला प्रशासन तो इस महिला के पास नहीं पहुंचा, लेकिन आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी इस महिला की मदद के लिए जरूर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी कसौली विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष चेतन कुमार ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली कि महिला रोड़ी पंचायत के चपला गांव में विषम परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर है, तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे और पाया कि घर बेहद जर्जर हालत में है और किसी भी समय गिर सकता है, इसलिए तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी है। मैं चेतन कुमार, आम आदमी पार्टी अध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र कसौली से। जिस प्रकार हमें एक सूचना मिली कि रौड़ी पंचायत में चपला गांव में एक महिला, वृद्ध महिला है और उनका घर जो है एक तरफ से जो है उनकी दीवार जो है वह गिर चुकी है, और हमने मौके की स्थिति पे हम गए और हमने वहां पे देखा कि सच में एक महिला है, वृद्ध महिला है और वह कहीं जा भी नहीं सकती, बहुत मुश्किल है, और उनकी जो घर की दीवार है एक वह गिर चुकी है। हमने इस चीज़ का जो है इसका प्रशासन को हमने इस पे हमने बात करी और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि इनका जो भी है इनका घर जो है जल्द से जल्द जो भी है इसकी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरीके से एक वृद्ध महिला है और बीपीएल परिवार से भी हैं और वह कहीं जा भी नहीं सकती, और अगर बारिश होती है तो उसमें जो है आगे आने वाले समय में जान और माल का भी हादसा हो सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आम आदमी पार्टी विधानसभा क्षेत्र कसौली से जिला प्रशासन से ये है अपील कर रही है या निवेदन कर रही है कि जल्द से जल्द इन महिला का जो है घर का जो निवारण है वह जल्द से जल्द किया जाए।